जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पीएचयू डिपार्टमेंट पर नीचे बैठ के जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर शिव मंदिर जो कुलीद में है उसका रास्ता 10 सालों से सेंक्शन है, ना वहाँ पे कोई काम हो रहा है और वहाँ पे जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जहाँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन यहाँ की नालायक एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको नज़रअंदाज करती रही और बार बार कहने पर भी वो इस काम को नहीं करती है। इसलिए आज कुलीद निवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी रास्ते पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें केंद्र में, तो आपकी सरकार है, फिर क्या वजह है कि आप यहाँ पे अपनी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये पार्टी के खिलाफ नहीं प्रोटेस्ट है, ये यहाँ के निवासियों के साथ मिलकर यहाँ की जो नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, जो यहाँ स्वच्छ भारत के नाम पे पैसों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो यहाँ के डिपार्टमेंट धड़ल्ले से वो पैसा कमा रहे हैं और स्वच्छ भारत के नाम पे पैसा लुटा रहे हैं और जगह जगह शहर में गंदगियों के ढेर हैं। ये यहाँ हम लोगों के साथ मिलकर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो नंगा नाच है ये कत नहीं होने देंगे। ये जो आपने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, तो क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई ऑफिसर आपके पास मिलने आया? डीसी किशोर अभी तक कोई नहीं आया और हम एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देते हैं कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू जारी रहेगा। जी हमारे गांव के बीच में एक रोड निकली है, किश्तवाड़ पाडर उसका रोड का नाम है, बीते 6 वर्ष से इनकम्प्लीट है। तो कितनी बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, गुहार लगाई, लेकिन ये रोड उनके कान पर जून तक भी नहीं रहेंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को कम्प्लीट किया जाए। और पानी भी हमारे गाँव में 3-3, 12 इंची पाइपें इस वक्त चल रही हैं किश्तवाड़ में, फिर भी हमारे बीच कोई भी यहाँ पर पानी की उपलब्धि नहीं है। आज आपने प्रोसेस किया, क्या कोई ऑफिसर आए आपके पास? जी ACR साहब आए थे, लेकिन उनसे हमारी कोई बात हुई नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि DC साहब आएँ और उनके साथ बात हो, क्योंकि कितनी बार उन्होंने आश्वासन दिया काम कुछ हुआ नहीं। आखिरकार ये प्रोटेस्ट कब तक आप करते रहोगे? अभी अगर इन्होंने हमारी बात मानी तो ठीक, नहीं तो एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, एक हफ्ते के बाद हम फिर से इसको करेंगे और अच्छा पुरजोर तरीके से करेंगे। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर प्रोविंस का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फार फलंग एरिया डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी स्कीमें लॉन्च की, उन स्कीमों पे जमीनी सतर पे उतारने में एडमिनिस्ट्रेशन टोटल नाकाम रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के विरोध में काम कर रही है, जो कि हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चीज के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा कि सरकार ने जो सुविधाएं, चाहे सड़कों की हो, बिजली की हो, पानी की हो, नरेगा की हो, स्कूल्स की हो, अस्पतालों की हो या और भी सुविधाएं हो, वो लोगों के लिए और गरीब लोगों के खातिर भारतीय सरकार ने लॉन्च की है। और यहाँ का ऑफिसर निभाला उन्हें जमीनी स्तर पर उतारने में आनाकानी करता है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये नहीं सोचना
कि हमें किसी चीज का पता नहीं है, हर चीज हम जानते हैं क्योंकि हम सरकार के बीच में हैं, हमें हर चीज का पता है। जो डिमांड है गरीब लोगों की, जो डिमांड है हमारे इलाकों की, जो डिमांड है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ से जाती है वो हमारे द्वारा से जाती है। आखिर पैसा भी आने के बावजूद भी आज तक ये हालत, चाहे आप म्यूनिसपालिटी की बात करें, चाहे आप गली कूचों की बात करें, चाहे आप स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ता है। और इस धरने के माध्यम से मैं ऑफिसर निबाला को ये कहना चाहता हूँ कि 2014 के बाद दौर गुजर चुका है, उन सही अंदाज ऑफिसरी को आप भूल जाइए, आप अपना काम तनदही से, ईमानदारी से, दयानतदारी से और अमानतदारी से निभाइए, वरना लोग कतई आपको माफ नहीं करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है, जहां लोग होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी होगी। आज तक भी सरकारें आई, आज तक भी सरकारें देखी लोगों ने, 70 साल में वो काम नहीं हुए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस, हैरान हूँ कि अभी तक उनको पुरानी सरकारों का कर्जा वो अभी तक चुका नहीं सके हैं। लाने के लिए आए हम, और जब काम करने की बारी आई उस समय उन्हें भी हाथ ऊपर और हमको लॉलीपॉप दिया जाता है। हम समझते हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम आपको पूरा रिकॉर्ड दे देंगे। हम समझते हैं कि आप लोग यहाँ सिर्फ अपना टाइम पूरा करने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। आज भी गरीब, आज भी मजलूम जिसकी जमीनें गई हैं, आज भी वो इस वक्त लैंड कंपनसेशन के लिए तरस रहा है, उसकी फाइलें मिट्टी वहां धूल चाट रही हैं। आज उन्हें लैंड कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। आज यहाँ कुलेत रोड की हालत देख लीजिए आप, आज आप सड़कों की हालत देख लीजिए आप, ठेकेदार को कोई चेक नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कि हमारा काम किस स्टैंडर्ड से होना चाहिए। इसके लिए हम आप लोगों को वार्न करते हैं, और एक बार इस धरने के माध्यम से हम आपको वार्न कर देना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होश में आए, वो अपने कानून को थोड़ा सा साफ करे, अपने उस कुर्सी की वो चार दीवारी से बाहर निकले और लोगों के काम करें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जवाबदेह होंगे और जरूर जवाबदेह होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और जो यहाँ की लीडरशिप है वो हमें कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन हम उनको आज यहाँ से बोलना चाहते हैं। जिस प्रकार बृजमोहन जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन का नाम है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ के गरीब के साथ खड़ी है, यहाँ के मजलूम के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ के हर एक व्यक्ति के साथ खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन इस गलतफहमी में न रहे कि भारतीय जनता पार्टी का उनको गलत कामों में संरक्षण मिलेगा। जब भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन गलत काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी रास्तों में उतरकर उनका विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध पहले भी करती थी और अब भी करती रहेगी। जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैं बता देना चाहता हूँ, हम अन्याय के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम यहाँ की नालायक एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब भी यहाँ अच्छा काम होगा, हम उनको भारतीय जनता पार्टी हर मंच में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट भी करेगी, लेकिन जब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन गलत काम करेगी तो हमें उन्हें कान से पकड़ के खींचना भी आता है। ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इस गलत फहमी में न रहे कि हम चुपचाप बैठ के उनका ये नंगा नाच देखते रहे, हम उनका ये नंगा नाच, क्योंकि यहाँ पहले भी कुलीर के निवासियों ने पानी के लिए हजारों बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन बार बार पीएचसी के लोगों ने उनको ठगाया और बार बार उनके साथ गलत कमिटमेंट करते रहे।
हम पीएचई डिपार्टमेंट को भी आगाह करते हैं। और जैसा यहाँ कहा गया, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, न यहाँ आरएनबी का डी चलेगा, न पीएचई का डी चलेगा। यहाँ जब तक डिस्ट्रिक्ट डीसी यहाँ पे खुद नहीं आएगा, खुद बात करेगा, फिर जाके यहाँ ये दर्दना खत्म होगा। अदरवाइज हमें 10 दिन यहाँ पे बैठना पड़े, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम डीसी को चेतावनी देते हैं कि यहाँ आके यहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस सुने, यहाँ के लोगों की तकलीफें सुने। वो यहाँ पे हमने कुर्सी पे यहाँ ग्राउंड पे लागू करनी है। यहाँ आपको कुर्सी पे घूमने के लिए हमने नहीं लाया है, यहाँ के लोगों को सताने के लिए हमने आपको यहाँ नहीं लाया है। इसी के साथ मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे जब तक डीसी नहीं आएगा तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। और सेंटर का नुमाइंदा यहाँ एलजी है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं लेना चाहिए कि जनता की आवाज के लिए सब लोग खामोश रहेंगे। हम जनता के लिए कमिटेड है, नुमाइंदे हैं। अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो हम इसी तरह सड़कों पे आते रहेंगे और लोगों की जो जो जायज मांगे हैं उनको मनाने के लिए। अगर आज टोकन रूप से धरना दिया है, कल से बहुत बड़ा प्रोसेशन भी हो सकता है। मातृशक्ति और भाजपा के कार्यकर्ता का, दरअसल हम लोग ये सोचते थे कि सेंटर में हमारी हुकूमत है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये समझेगी भाई भाजपा को हम मजबूर न करें कि वह सड़कों पर आ जाए। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूँ कि भाजपा एक आंदोलन है, हम आंदोलनों से ही जो सरकार में आए हैं। डेलीगेशन हमारे गांव से हमारे डिपार्टमेंटों को, जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे, उनके पास गए हैं। कभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हमें चक्कर लगाना पड़ता है हमारे लोगों को। कभी दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी बोलता है कि यहाँ पर तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पर से कोई कागजात ही नहीं है। अगर कागजात नहीं है तो ये आदि